अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उधरजात चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर फिजिक्स हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर आज हमने कार्नो इंजन एंड कार्नो थ्योरम के बारे में पढ़ना है। ठीक है जी। 1840 साइंटिस्ट का नेम है सारडी कार्नट। इसने एक थ्योरम, एक मॉडल बनाया इंजन का, जो कि किसी भी इंजन की एफिशिएंसी को टेस्ट करने के लिए यूज हो सकता है। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, ये इटसेल्फ कोई वर्किंग इंजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने जगह के ऊपर एक ऐसा थ्योरम हासिल किया इसकी मदद से, जिसकी मदद से हम किसी भी दूसरे इंजन की जो एफिशिएंसी है उसको इससे कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकते हैं। इसने इसके लिए चार प्रोसेसेस यूज किए, दो आइसोथर्मल, दो एडियाबेटिक और जो है दो एक्सपेंशन और दो कंप्रेशन के प्रोसेसेस। ये चार प्रोसेसेस हैं जिसको इसने यूज किया और इससे उसने थ्योरम डिवाइस किया। क्योंकि कोई भी इंजन एक साइक्लिक प्रोसेस में काम करता है, इसलिए अगर मैं इस बात को ग्राफिकली डिस्कस करूं तो मैं इस जगह के ऊपर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है जी। तो लेट्स से मैं कहता हूं कि यहां पे इस डायरेक्शन में ये वॉल्यूम है और इस डायरेक्शन में ये प्रेशर है। सबसे जो पहला प्रोसेस उसने किया वो क्या था, वो था आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन किस तरह से परफॉर्म की गई, वो इस तरह से परफॉर्म की गई कि लेट्स से मैं कहता हूं कि हमारे पास कोई सिलेंडर है जिसके अंदर पिस्टन मूव कर रहा है। लेट्स से मैं कहता हूं सिलेंडर है और इसके अंदर ये पिस्टन मूव कर रहा है और इस पिस्टन के ऊपर हमने कुछ वेट रखा हुआ है। ठीक है, और ये सारी बात है कि अगर ये इंजन है तो आगे इस शाफ्ट से अटैच है जो आगे किस चीज को जो है वो मूव करवा सकता है। पिस्टन ऊपर नीचे मूव करेगा तो कोई चीज चलेगी इससे। हमने ये प्रोसेस नंबर वन करना है। इसके अंदर ये प्रोसेस नंबर वन के अंदर हमारे पास जो है वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन होनी चाहिए। तो अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन होनी है, दैट मींस टेम्परेचर चेंज नहीं होना और इस पिस्टन ने ऊपर की तरफ मूव करना है, तो भाई यहाँ पे आपको कोई सोर्स रखना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है, ये कोई सोर्स है। ये क्या है, ये सोर्स है। इस सोर्स से इधर हीट एनर्जी क्यू एंटर होगी। पहले आप इसे क्यू वन कह लें। ये हीट एनर्जी यहाँ पे एंटर होगी और एंटर होने की वजह से ये पिस्टन एक्सपेंड करेगा और एक्सपेंड करके थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस नंबर वन की वजह से ये पिस्टन जो है ये मूव करके क्या कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे ये हमारे पास सोर्स मौजूद है इस तरह से और ये पिस्टन मूव करके थोड़ा सा ऊपर आ गया है, इस पॉइंट के ऊपर आ गया है। ये वेट्स वैसे पड़े हुए हैं और ये जो शाफ्ट है ये आगे की चीज के साथ अटैच है। ठीक है, इसलिए ऊपर एंटर रखता हूँ। तो इस दौरान क्या किया है, इस दौरान हमने यहाँ पे हीट एनर्जी क्यू दी है। तो चूंकि सिस्टम सोर्स के ऊपर पड़ा हुआ है और इसकी वजह से उसका टेम्परेचर हाई है, सो इस टेम्परेचर हाई होने की वजह से उसका जो पीवी ग्राफ है वो यहाँ के बजाय यहाँ पे बनेगा। लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये इस जगह के ऊपर मैं एक पीवी ग्राफ बना रहा हूँ और ये लाइन क्या है, ये लाइन आइसोथर्म है। ये लाइन क्या है, ये लाइन आइसोथर्म है। ठीक है, तो ये प्रोसेस नंबर वन की बात होगी यहाँ पे। अब उसके बाद प्रोसेस नंबर टू है। अब प्रोसेस नंबर टू क्या है, प्रोसेस नंबर टू है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। वो क्या है, वो है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो इस एक्सपेंशन में क्या होगा कि अब हमारे पास यहाँ पे जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम को हम किसी इंसुलेटर के ऊपर प्लेस कर देंगे। अब ये सिस्टम कहां पे प्लेस्ड है, अब ये सिस्टम किसी इंसुलेटर के ऊपर प्लेस्ड है और ये प्रोसेस नंबर टू स्टार्ट हो गया यहाँ पे। बस क्या किया हमने कि जो हमारा पिस्टन था ना इस जगह के ऊपर, जो आगे किसी शाफ्ट के साथ अटैच है, जो आगे किसी चीज को घुमाने के लिए इस्तेमाल होता है, इससे हमने वेट उठा ली है। अब वेट उठाने से क्या होगा कि यहाँ पे हीट एनर्जी तो कोई नहीं जाएगी, लेकिन ये सिस्टम भी क्या करेगा, सिस्टम मजीद एक्सपेंड करेगा और एक्सपेंड करता करता ये सिस्टम कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह के ऊपर आ जाएगा कि इसने जो हाइट है इसकी इस पॉइंट तक पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच गया। कहाँ पे प्लेस्ड है, ये प्लेस्ड है इंसुलेटर के ऊपर। ये हमारा प्रोसेस नंबर टू चल रहा है। तो भाई यहां से स्टार्ट करता तो इस लाइन में ऐसे आना था, लेकिन क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला है इसलिए ये वाली लाइन इस पर आएगी। ठीक है जी, यहां से स्टार्ट करता तो इस लाइन में ऐसे आना था, लेकिन क्योंकि यहां से स्टार्ट किया ये लाइन यहाँ पे इस तरीके से आ रही है, ये वाली। ये है एडियाबैटिक
और ये है प्रोसेस नंबर टू. प्रोसेस नंबर थ्री क्या है? प्रोसेस नंबर थ्री है आइसोथर्मल कंप्रेशन. आइसोथर्मल कंप्रेशन के अंदर क्या होगा कि हमारे पास ये जो सिस्टम है ना, हम इस सिस्टम को प्लेस कर देंगे किसी सिंक के ऊपर. ये शाफ्ट अटैच है, ये हमारे पास नंबर थ्री है और यहां पे क्या मौजूद है, यहां पे एक जगह के ऊपर मौजूद है कोई सिंक. तो ये कोई सिंक है, प्रोसेस नंबर थ्री है. इसकी वजह से यहां से हीट वापस बाहर की तरफ निकलेगी और बाहर की तरफ निकलने की वजह से ये सिस्टम श्रिंक करता हुआ कहां पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा. जैसे मैं कहता हूं कि ये पिस्टन जो है ये तकरीबन इस पॉइंट पे आ चुका है, कंप्रेस होता हुआ नीचे की तरफ मूव कर रहा है और हमने क्या किया हुआ है, हमने इस सिस्टम को कहां पे रखा हुआ है, किसी सिंक के ऊपर रखा हुआ है. ये पॉइंट नंबर थ्री है. अच्छा तो भाई जाहिर बात है कि अगर आइसोथर्म होता है यहां से इधर को चले तो यहां से वापस इधर को भी आना था, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला है, स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला है. तो हमारे पास ये जो प्रोसेस है ये कौन सा बनेगा, ये इस किस्म का बनेगा. ठीक है, तो ये लाइन आएगी हमारे पास, ये है प्रोसेस नंबर थ्री और ये भी क्या है, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है. तो ये आइसोथर्म नंबर थ्री है. उसके बाद पॉइंट नंबर जो फोर होगा वो क्या होगा, वो होगा एडियाबेटिक कंप्रेशन. एडियाबेटिक कंप्रेशन के लिए अब मैं डायग्राम इस तरह बना रहा हूं यहाँ पे. तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि यहाँ पे इस जगह के ऊपर हम इस सिस्टम को दोबारा से कहां पे रखेंगे, किसी इंसुलेटर के ऊपर रख देंगे. ये क्या है, ये है जी इंसुलेटर. प्रोसेस नंबर फोर है और हमारा सिस्टम पहले यहां तक आ चुका था. अब हमने क्या करना है, जो वेट उठाए थे वो वापस रख दो. ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये मजीद नीचे की तरफ चलेगा और मजीद नीचे की तरफ चलता चलता ये सिस्टम इंसुलेटर के ऊपर प्लेस्ड है. अच्छा जी, हमने क्या किया, चार स्ट्रोक्स यूज किए. इसमें हमने इस सिलेंडर को किसी सोर्स के ऊपर रखा जिससे उसे हीट एनर्जी मिली. सोर्स से उसे क्या मिली, सोर्स से उसे हीट एनर्जी मिली जिसकी वजह से वो आइसोथर्मली एक्सपेंड करता हुआ यहां तक आ गया. इस दौरान क्योंकि हीट एनर्जी क्यू प्रोवाइड की है तो इस वजह से सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, एक्सपेंशन भी हो गई. उसके बाद इस पॉइंट पे आने के बाद मैंने एडियाबेटिक एक्सपेंशन की और इसके ऊपर रखे हुए वेट उठा लिए ताकि एक्सपेंड कर जाए. एक्सपेंशन के दौरान ये ठंडा हो जाएगा और एडियाबेटिक एक्सपेंशन में नहीं. तो भाई यहाँ से पहला आइसोथर्म था इधर को आ रहा था, अब एडियाबेटिक ने यहाँ पे आना था लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला था इसलिए ये वाली लाइन इधर को आई है. सिस्टम ठंडा हो चुका है. उसके बाद हमने क्या किया है, इस प्रोसेस को प्रोसेस नंबर थ्री पे लाए आइसोथर्मल कंप्रेशन. इसको हमने किसी सिंक के ऊपर रखा, इसे हीट निकाल ली जिससे प्रेशर नीचे आना शुरू हुआ और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहा. ये मूव करता करता यहाँ पे इस जगह के ऊपर आ गया और क्योंकि सिस्टम ठंडा हो चुका था इसे इस स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर यहाँ तक एक लाइन आई. तो ये आइसोथर्मल कंप्रेशन बन गया पॉइंट नंबर थ्री. उसके बाद पॉइंट नंबर फोर है, वो क्या है, वो है एडियाबेटिक कंप्रेशन. जो वेट हमने उठाया था वो वापस रखा हमने इसी पॉइंट के आगे जहाँ पे वेट वापस रखा और सिस्टम कंप्रेस हुआ और कंप्रेस होकर उसी पॉइंट पे चला गया जहां से उसने स्टार्ट किया था. और यहाँ पे भी देखो कि अगर मैं कहता हूँ कि एडियाबेट ने इस तरह आना था तो यहाँ पे अब ये वापस इस तरह से आएगा क्योंकि अब दोबारा सिस्टम क्या हो रहा है, यहाँ पे नीचे जाते हुए जब कंप्रेस हो रहा है तो कंप्रेस होते हुए हीट अप हो रहा है. तो ये हमारे पास एक पॉइंट और है और इसे मैं कहूंगा कि ये जो है ये क्या है, ये है एडियाबेट नंबर फोर. तो भाई पॉइंट्स हैं ए बी सी डी. आपको पता है कि किसी भी पीवी डायग्राम के अंदर जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो किसको शो करता है, वो वर्क डन को शो करता है. वो किसको शो करता है, वो वर्क डन को शो करता है. तो भाई अब देखो कि यहाँ पे मैं कहता हूँ कि लेट से ये हीट एनर्जी Q1 थी, ये हीट एनर्जी Q2 है. ठीक है, तो Q1 माइनस Q2 का जो आंसर है वो वर्क डन के इक्वल होता था वो सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक. लेकिन फिलहाल हम ये कहेंगे कि जितनी हीट Q1 दी थी उतनी ही हीट हमें वापस से ले ली और सिस्टम साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू दोबारा से पॉइंट ए के ऊपर भी आ गया. तो जरी बात है फिर इसका मतलब है कि Q1 माइनस Q2 का आंसर कितना है, वो आंसर जीरो है. लेकिन जो हमारे पास एरिया ऑफ पीवी ग्राफ है वो तो जीरो नहीं है,
वो जीरो नहीं है तो वर्क डन कैसे जीरो हो सकता है, वर्क डन भी जीरो नहीं हो सकता। इस बात का मतलब यह है कि असल में ये सिस्टम एक मॉडल है, अगर आप वाकई इसको इस तरह से रन करोगे तो ये सिस्टम ये लाइन फॉलो करेगा, इधर से इधर आएगा, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर आएगा, ये लूप कंप्लीट कभी नहीं करेगा। लेकिन चूंकि हम थ्योरम पढ़ रहे हैं, थ्योरम के लिए हमने ये कंसीडर किया हुआ है कि फिलहाल जो है वो वर्क डन वो जीरो नहीं है, क्योंकि एरिया अंडर द पीवी ग्राफ अंडर द क्लोज लूप जो है वो जीरो नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस बात का मतलब यह है कि हम इस बात पे कतई नजर कि ये न्यूटन सेकंड वो थर्मोडायनामिक्स के जो सेकंड लॉ है उसके अगेंस्ट है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि Q1 जितना था उतनी ही हीट हमने वापस ले ली, जितनी हीट Q1 दी थी उतनी ही हीट Q2 वापस ले ली, लेकिन इसके बावजूद एरिया ऑफ पीवी ग्राफ जीरो नहीं आ रहा, इसका मतलब है वर्क डन जीरो नहीं है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास थ्योरम था। इसकी कोई बात अगर समझ में नहीं आई तो पूछ लें। अच्छा, अब हम एफिशिएंसी की बात करेंगे कि सिस्टम की एफिशिएंसी कितनी है। एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम की बात कर रहे हैं तो एफिशिएंसी ईटा होती है आउटपुट ओवर इनपुट, फ्रैक्शनल एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं। ठीक है जी, अच्छा आउटपुट पे हमें क्या चाहिए, वर्क डन, इनपुट पे क्या दे रहे हैं, हीट एनर्जी Q1। वर्क किसके इक्वल होता है, वो Q1 माइनस Q2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्ट ना करें, आप इसे सिर्फ क्यू और क्यू लिख लेंगे, इनपुट एनर्जी और जो आउटपुट एनर्जी है वो बराबर है, तो क्यू लिखिए सिर्फ इसको। तो बहरहाल ये वर्क डन Q1 माइनस Q2 है, इसको मैं यहाँ पे पुट कर लूँ तो क्या बनता है, Q1 माइनस Q2 ओवर Q। अच्छा, इसके बाद Q1 इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए, यहां से एलसीएम ब्रेक कर लें, बनेगा ईटा इज इक्वल टू Q1 ओवर Q1 माइनस Q2 ओवर Q1, या फिर ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 ओवर Q1। ये इक्वेशन नंबर कौन सी है, ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये फ्रैक्शनल एफिशिएंसी की इक्वेशन है। अगर आप परसेंटेज एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं तो आप इस इक्वेशन को 100% से मल्टीप्लाई कर लें, ये बन जाएगा 1 माइनस Q2 ओवर Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100%। उसके बाद आप कहोगे कि क्योंकि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला डेल्टा क्यू जो है वो किसके इक्वल आता है, वो आता है एन सी डेल्टा टी के इक्वल। तो यहां पे मैं कहता हूं कि ये जो हीट एनर्जी है ये दो एनर्जीज का डिफरेंस है Q1 माइनस Q2, और ये जो टेम्परेचर है ये भी दो टेम्परेचर का डिफरेंस है T1 माइनस T2, जहां पे T1 हायर टेम्परेचर और T2 लोअर टेम्परेचर। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू एन सी T1 माइनस एन सी T2। सो Q1 किसके इक्वल आया, ये आया एन सी T1 के इक्वल, और Q2 किसके इक्वल आया, ये आया एन सी T2 के इक्वल। ठीक है, सो इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाती है, सो इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है जी ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 की जगह पे क्या लिखना है आपने, उसकी जगह पे लिखना है एन सी T2 और यहाँ पे लिख लेना है एन सी T1। ये दोनों टर्म्स कट जानी है और फ्रैक्शनल एफिशिएंसी का एक और फॉर्मूला आना है जिसे आप लिखोगे 1 माइनस T2 ओवर T1। ये हमारी इक्वेशन नंबर ये वाली 3 थी, ये इक्वेशन नंबर 4 है फ्रैक्शनल एफिशिएंसी की, और परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी है तो आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 100% के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये होगा, और ये क्वेश्चन नंबर हमारी क्या होगी, 5 होगी। तो भाई ये हमारे पास परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन की इक्वेशन है जो कि हमने कार्नोट थ्योरम से निकाली है। आमतौर पे आपको एनर्जी Q1 और Q2 नहीं गिवन होती, आपको क्या गिवन होता है, आपको गिवन होता है यही क्या कहते हैं इसे T2 और T1 ये गिवन होते हैं। तो भाई ये इक्वेशन अपर लिमिट सेट करती है कि किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी कितनी हो सकती है, किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी कितनी हो सकती है, ये इक्वेशन उसके ऊपर एक अपर लिमिट सेट करती है। ठीक है, सो इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि लेट्स से हमारे पास एक इंजन है जिसका सोर्स टेम्परेचर कितना है,
उस सोर्स टेम्परेचर है लेट से 700 केल्विन और सिंक टेम्परेचर कितना है वो है 350 केल्विन, तो इसकी परसेंटेज एफिशिएंसी कितनी हो सकती है इस इंजन की, वो है 1-T2/T1 मल्टीप्लाइड बाय 100% से, तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 1-350 केल्विन ओवर 700 केल्विन मल्टीप्लाइड बाय 100%, तो इसका आंसर होगा 1-1/2 into 100%. That means आंसर कितना हुआ? आंसर हुआ 50%. कितना आंसर हुआ? 50%. तो भाई अगर कोई एक ऐसा इंजन बनाया जाए जिसका सोर्स टेम्परेचर 700 केल्विन और सिंक टेम्परेचर 350 केल्विन हो और किसी किस्म का उसमें एनर्जी लॉस ना हो, कोई फ्रिक्शनल लॉसेज ना हो, तो भी उस सिस्टम की एफिशिएंसी कितनी हो सकती है, तो भी उस सिस्टम की एफिशिएंसी मैक्सिमम 50% हो सकती है। जब असल में इंजन बनाओगे जो टेम्परेचर पे काम करने वाला, तो हो सकता है उसकी एफिशिएंसी 10% भी ना आए क्यों, फ्रिक्शनल लॉसेज भी आने हैं, लेकिन ये जो 50% है ये इस तरह से किसी भी इंजन के लिए अपर लिमिट है कि 700 और 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के दरमियान में काम करने वाला इंजन जो है वो 50% से ज्यादा एफिशिएंट कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं। लेट से मैं कहता हूं कि हमारा जो फ्यूल बर्न होता है गाड़ी के इंजन के अंदर, वो किस टेम्परेचर पे होता है? लेट से मैं कहता हूं कि वो टेम्परेचर कितना है, वो टेम्परेचर है 1500 केल्विन। ठीक है, और लेट से मैं कहता हूं कि सिंक टेम्परेचर कितना है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है जहां पे गाड़ी का एग्जॉस्ट जाता है, वो टेम्परेचर लेट से मैं कह लेता हूं कि 300 केल्विन है। तो अब मैं ये देख लेता हूं कि जो गाड़ी का इंजन है वो इन दो टेम्परेचर के दरमियान में काम कर रहा है, इंजन के अंदर टेम्परेचर 1500 केल्विन है और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 300 केल्विन है, तो इस इंजन की मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगी, टेस्ट कर लेते हैं। परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1-T2/T1 मल्टीप्लाइड बाय 100%, फॉर्मूला लगाते हैं क्या बनेगा, 1-300/1500×100%। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1-1/5×100%, दैट मींस 4/5×100%, दैट मींस 80%। तो भाई इस तरह का इंजन अगर आप तमाम के तमाम फ्रिक्शनल लॉसेस को, हीट लॉसेस को ओवरकम कर लो और कोई इंजन बनाओ जो इन दो टेम्परेचर के दरमियान में काम करे, तो वो 80% एफिशिएंट हो सकता है। यहाँ पे ये बात देखने वाली है कि जो हमारा गाड़ी का असल इंजन है पेट्रोल इंजन, वो 25-30% तक एफिशिएंट होता है, और इसके अलावा यहाँ पे जो हमारा डीजल इंजन होता है उसकी एफिशिएंसी अप टू 40% होती है। वजह क्या है? वजह यह है कि आम जिंदगी में फ्रिक्शनल लॉसेस बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, सो ये हमने बात कर ली इस जगह के ऊपर कि पेट्रोल इंजन कितना एफिशिएंट हो सकता है। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ कि कोई इंजन ऐसा बनाना है जिसमें फ्रिक्शनल लॉसेज ना हो तो वो 100% एफिशिएंट हो जाए, तो वो कैसे बनाना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर 100% एफिशिएंट इंजन। इस तरह के इंजन की बात कर लेते हैं, तो अगर मैं चाहता हूं कि परसेंटेज एफिशिएंसी ईटा 1-T2/T1×100% का आंसर कितना आए, इसका आंसर आए 100%। तो मतलब क्या हुआ कि मतलब ये हुआ कि ये टर्म जीरो होनी चाहिए, देन T2/T1 मस्ट बी इक्वल टू जीरो, दैट इज आइदर सिंक टेम्परेचर T2 मस्ट बी जीरो केल्विन और